मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान चलने लगा है। जीतू पटवारी ने विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सुवासरा में कुछ देर मंच से भाषण दिया, फिर वहां से कांग्रेस महिला कार्यकर्ता के गले में फूलों की माला भी पहनाई। देखने में आया कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार से भी सम्मान महिलाओं के साथ करते हैं। कुछ देर बाद श्यामगढ़ के लिए चले गए, जहां मंच से कुणाल चौधरी ने हरदीप पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी मां को छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर अपनी मां बदलकर कांग्रेस वालों से अपने बाप का सबूत मांगते हैं एवं गद्दार कहकर हरदीप सिंह डंग पर कई बार निशाना साधा। उसके बाद वे भी वहां से चले गए। मेरी मां है और आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मैंने भैया हमारा उधर मालवा में भी घरवाला और घरवाली की नहीं बढ़ा तो बेरा बदलता आदमी के देखो पर माय बदलते नहीं देखो। और जिनी औलाद ने माय बदली ली हमारा भी तो क्या रिश्ता नहीं करे तुम्हारा ही करेंगे। तो हम तो प्रमाण मांगने वाले मेरे भाई, तूने प्रमाण दे दिया कि तू मां बदल सकता है और जो मां बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी के बने संगठन के लोग वो जब अलग से बात करे एक माइक एक टेप उनके जेब में चोरी से रख देना, वो भी बैठे बैठे तुझे गद्दारी कह रहे हैं। उनके बाप का डीएनए पूछ के बता। वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो और सुहासरा में आप ना हो रहे टॉपिक जिससे उसी माफिया के पैसे से मध्य प्रदेश की जनता के वोट को बेचने का काम किया, आपके मत को बेचने का काम किया, आपकी मेहनत को बेचने का काम किया और बाद में आपको ललकारता है। अरे कांग्रेस के लोगों को ललकारता है तो सुन ले गद्दार। और लगा लो मुआवजे को लेकर अभी भी यहाँ जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश को व्यापम में कलंकित किया, मंदसौर में किसानों की हत्या करके मंदसौर की धरती को कलंकित किया, मंदसौर में किसानों के बच्चों पे मुकदमे लगा के उन पर अत्याचार किया, मैं मानता हूँ उसका बदला लेने का समय फिर से आया है। जीतू भाई कल भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी भली चलती हुई सरकार के पीठ में छुरा घोंप कर लोकतंत्र की मर्यादा को आर्थिक प्रलोभन में तार तार करके विधायकों को खरीद के वोट की सरकार के बदले नोट की सरकार बनाने की कोशिश की। मैं मानता हूँ 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली के जैसा उनका प्रताप है उस भाव से इनका अंत करेगी। फिर से कांग्रेस की सरकार मंगलवार के दिन ही गिनती होगी और फिर भगवान मंगल के भक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे उपचुनाव होने, 28 में आप कितनी सीटें जीते हैं? 28 की 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। KNN न्यूज के लिए सुवासरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।